नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। बचपन से ही हम नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में कई परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं या नहीं? तो चलिए आइए आपको बताते हैं सांपों के रहस्य के बारे में। विश्व में सांपों की करीब 520 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों में हर सांप अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कहा जाता है कि उन सभी में सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन ही ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि ये बात सच है या सिर्फ एक कल्पना, इसका प्रमाण शायद कोई भी नहीं दे पाया। प्राचीन समय में अनेक देवताओं ने सांप के अवतार में धरती पर जन्म लिया है। लक्ष्मण जी भी चेस नाग के ही अवतार थे। हमारे ग्रंथों में भी इच्छाधारी नाग नागिन के कई रहस्यों का पता चलता है। फिल्मों की यदि बात की जाए तो ऐसी कई फिल्में हैं जो इच्छाधारी नाग नागिन पर आधारित हैं। फिल्म में नाग नागिन अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हिंदू ग्रंथों में हमें नाग नागिन के इच्छाधारी होने का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन वर्तमान में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। आज के समय में महज ये एक कल्पना मात्र ही लगता है। वर्तमान में कोई प्रमाण न होने के कारण इच्छाधारी नाग नागिन होने का कोई पूर्ण समर्थन नहीं करता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं।